तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदी के एग्जाम में। ये एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, लगभग 3-4 नंबर का रहता है, इससे एकदम गारंटी है 5 नंबर या 3-4 नंबर का जरूर रहेगा। और वो कैसे रहेगा, एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, कहीं ना कहीं से घुमा करके 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन प्रशासनिक सेवा में काम कर चुके हैं, कौन से कवि हैं जो पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, प्रशासन में काम कर चुके हैं। तो पहला यही व्यक्ति है जिनका नाम है अशोक वाजपेयी एक ऐसे कवि हैं जो प्रशासनिक सेवा में काम कर चुके हैं, यानी पुलिसिया विभाग में काम कर चुके हैं। आपके पूरे हिंदी के किताब में ये पहला व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने प्रशासनिक में काम किया है, ये कई बार पूछा जा चुका है। लेकिन इससे पहले अशोक वाजपेयी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा लिखी गई हर एक कविता, हर एक कहानी, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। बहुत सारी कहानियां लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कहां पे, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ। यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन बाबू घुमा के पूछेगा, आपसे पूछेगा, और यहां मूल निवासी ये मध्य प्रदेश के थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपके वाजपेयी जी हैं अशोक वाजपेयी, आखिर ये मूल निवासी कहाँ के थे, इनका जन्म कर्म बाप दादा जो होते हैं, खानदान जो होता है ना, खानदान कहाँ का था, मूल निवासी, तो ये मूल निवासी थे आपके मध्य प्रदेश के, लेकिन ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में, इनके माँ बाप रहते होंगे वहाँ पे, इसीलिए इनका जन्म छत्तीसगढ़ में, और ये मूल निवासी थे मध्य प्रदेश से। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, तो बोलिएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो मध्य प्रदेश के सागर जो जगह है वहाँ के ये मूल निवासी थे। इनका जन्म 1941 में हुआ, माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अब ये तो ऑप्शन में आएगा तो मार जाएगा, वाजपेयी खानदान मिल रहा है ना, ऐसा लग रहा है खानदान, एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, एक ही वंश के हैं। अब देखिए, इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मतलब मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये सब होता है ना जी, हाई स्कूल, ये अपने ही गांव से किए हैं, ये सागर से ही किए हैं, वहीं से ये सब अपना स्कूल किए हैं। लेकिन एमए की पढ़ाई जो है ना वो दिल्ली से किए हैं, कहाँ से किए हैं, दिल्ली से किए हैं। उस समय दिल्ली में अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी सब था, ठीक है, तो दिल्ली से किए हैं। कौन से कॉलेज से किए, था सेंट स्टीफेंस कॉलेज, याद रखिएगा, सेंट स्टीफेन कॉलेज से उन्होंने दिल्ली की पढ़ाई की, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में वो काम भी कर चुके थे, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा है। इनका कविता तो बहुत सारा है, एक पतंग अनंत में एक कविता ही लिखे हैं, तत्पुरुष, अब से पूछा जाएगा एक पतंग अनंत में किसकी कविता है, तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की कविता है, तत्पुरुष किसका है, तो उन्हीं का है, कहीं नहीं वहीं, ये अगर पूछे तो ये भी इन्हीं का है, बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह दुख चिठिरसा, ये जितना भी है ये सब किसका कविता है, ये याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की कविता है, ठीक है। इन्होंने कुछ आलोचना भी देखिए कैसे लिखा है, ठीक है, फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, किसने लिखा है, अशोक वाजपेयी, ठीक है, ये वाला। यहाँ कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, ठीक है, कविता का गल्प, और यहाँ कवि कह गया है, कवि क्या कह गया है, वही कवि कह गया है, यही कुछ लिखे हैं कि कवि क्या कह जाता है। इनका यहाँ पे पत्रिका लिखे हैं, समवेत, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, और उसके बाद समास, ये सब इनके क्या है, पत्रिका है। ये लोगों के दिलों में ऐसे राज करते जा रहे कि इनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला, अलग अलग सरकार बुला बुला करके इनको पुरस्कार दी कविता लिखने का। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, दयानंद मोदी कवि शेखर सम्मान इनको दिया गया है। देखिए, पुरस्कार मतलब नहीं होता है कुछ बहुत बड़ा प्राइज, सम्मानित किया जाता है कुछ दे करके भी, ठीक है। उसके बाद से फ्रेंच सरकार, क्योंकि फ्रांस में गए थे, फ्रांस में अविनियो कहाँ था, फ्रांस में था, आप याद रखिएगा, अविनियो कहाँ है, फ्रांस में, वो भी दक्षिणी फ्रांस है, फ्रांस है तो उसके नीचे वाला इलाका में अविनियो था। तो यहाँ जब फ्रेंच सरकार, ये फ्रांस की सरकार का क्या ऑफिसर ऑफ द हो गया, ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रांस, 2004 सम्मान इनको उस समय मिला था। तो इतना आपको समझ में आया होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अधिकतर पूछता है जैसे कि कहीं नहीं वहीं, किसका ये जो लिया गया है, किस लेसन से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। इस लेसन का नाम है अविनियो, अविनियो में उनके लेखक कौन है, अविनियो के लेखक कौन है, तो ये है वाजपेयी। अच्छा, उस समय से हम बोल रहे अविनियो, अविनियो, अविनियो क्या है, अविनियो एक जगह है, एक मठ है, देखिए यहाँ पे फ्रांस के ईसाई मठ है, यहाँ पे देखिए तो दक्षिण फ्रांस यहाँ पे है, मान लीजिए कि इधर फ्रांस हो गया, फ्रांस के इस इलाका में
ऊपर से नीचे वाले इलाका में एक मठ था, ईसाइयों का मठ था, जिसका नाम था उस इलाके का अविनियो। ठीक है, लेखक इसी के बारे में इस लेसन में लिखे हैं। और एक बात और आपको बता दे बाबू, बहुत मजेदार, कि ये अविनियो जो है आखिरकार ये किस लेसन से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, तो एक अविनियो ही बहुत मोटा किताब है। जैसे परंपरा का मूल्यांकन बहुत मोटा किताब था, उसी में से छोटा सा हिस्सा लिया गया था, वैसे ही इसका भी हिस्सा लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये दक्षिण फ्रांस के मध्य युगीन ईसाई मठ है। आपसे ये पूछा जाएगा कि अविनियो किस युग का मठ है, तो मध्य युग का मठ है। किस युग का मठ है? मध्य युग। इतना बाबू आपको याद हो गया। ठीक है, ईसाई मठ है। किसका मठ है बाबू? ईसाई। दे देगा अलग अलग प्रकार का ईसाई मठ भी दिया रहेगा, आपको याद रखना है। तो देखिए, यही अविनियो है, एक प्रकार का मठ है। यहीं पे लेखक आ करके कुछ दिन यहाँ रहे हैं इस मठ में, अविनियो में। और देखे कि वाह, देखिए मठ वगैरह जो होता है ना, काफी शांति इलाका होता है। अब मठिया वगैरह देखे होंगे, अलग अलग ऋषि मुनि का देखे होंगे, शांति इलाका होता है। और कभी जब भी जाएगा, कोई भी कवि जाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे, जब शांति जगह पाएंगे तो कुछ ना कुछ लिखेंगे, कविता लिखेंगे, कुछ वहां देख करके कहानी लिखेंगे, प्रकृति के खूबसूरती के बारे में लिखेंगे। मतलब कि कविता के जरिए तो ऐसा लगेगा कभी कभी वो प्राकृतिक में जान डाल देते हैं, इतना सुंदर और भव्य कविता लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कवि ये भी, कौन? अशोक वाजपेयी अविनियो गए और वहाँ बैठे बैठे बहुत सारे कविताएं कहानी उन्होंने लिख दिया है। और एक लिखा है जहाँ अविनियो के बारे में, जब वहाँ गए थे, तो हम लोग अगले लेयर में देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि वाजपेयी जी फ्रांस के एक मठ में गए थे, यानी कि उस मठ का क्या नाम था? अविनियो। तो वहाँ जब गए थे, तो यहाँ देखें कि क्या क्या लेकर के गए थे और वहाँ कौन सा काम करने गए थे। आप देखिएगा, हम लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, खाने का पूरा व्यवस्था लेके जाते हैं, पूरा एकदम स्टाइलिश कपड़ा वगैरह ले जाते हैं, स्मार्ट बन के फोटो शूट करते हैं, यही सब ना आजकल हो रहा है। लेकिन ये गए थे उस समय तो क्या क्या लेकर गए थे, ये कवि हैं, तो कवि है तो वहाँ भी जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जान करके उसी पर कविता लिख देंगे। एक निर्जीव चीज को निर्जीव चीज में जान डाल देता है, वो है कवि। तो यहां देखिए, ये गए हैं अविनियो, एक महल नहीं, एक झोपड़ी ही समझिए, एक इलाका समझिए, अविनियो जगह का नाम है, वहां गए हैं। क्या है यहां देखिएगा, मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जो क्या है, एक और बता दे, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है अविनियो। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहां है, तो कहिएगा अविनियो में है। एक और बात, ये तो जानते हैं कि दक्षिण फ्रांस में है, लेकिन दक्षिण फ्रांस में कहाँ है, तो बता रहे हैं कि फ्रांस में एक नदी बहती है। क्या बहती है बाबू? फ्रांस में नदी बहती है, उस नदी के किनारे, इस नदी का नाम है रोन नदी। ठीक है, रोम नदी नहीं, रोन नदी। इसी नदी के किनारे बसा है क्या? अविनियो। क्या बचा है बाबू? अविनियो बसा है, ये आप यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले ये अविनियो पोप की राजधानी होती थी, बहुत पहले। जो पादरी पोप समझते हो, जैसे हिंदू धर्म में पंडित जी लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलाना होता है, वैसे ही ईसाई धर्म में क्या होता है? पोप लोग होते हैं। तो पोप की राजधानी उस समय उन लोगों का एक अलग जगह ही था, और पोप था, पोप की राजधानी यहाँ पे क्या थी? अविनियो थी। अभी पोप की राजधानी कहाँ है? वेटिकन सिटी है, विश्व का सबसे छोटा शहर माना जाता है वेटिकन सिटी को, है उन लोगों की राजधानी। यहां देखिए, अब यहां पे पहले पोप की राजधानी, आपसे पूछा जाएगा पहले पोप की राजधानी कहां थी, तो अविनियो, यानी कि फ्रांस की, जो दक्षिण फ्रांस है उस इलाके में थी। आपसे पूछा जाएगा अविनियो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। याद हुआ, रोन नदी के किनारे बसा है। अब देखिए, गर्मी के दिनों में पता है अविनियो में क्या होता है, उस छोटे से जो इलाका है वहां पे होता क्या है, फ्रांस और यूरोप, ठीक है, इनका लोकप्रिय रंग समारोह होता है वहाँ पे, एक बहुत ही भव्य समारोह होता है। देखिएगा, हम लोगों के यहाँ क्या होता है, अलग अलग जगह, जैसे कि बिहार का क्या, पूरे एशिया का यानी विश्व का नहीं बात करें, एशिया का सबसे प्रमुख मेला जो सोनपुर को बोला जाता है, वैसे ही यहाँ फ्रांस और यूरोप में एक लोकप्रिय रंग समारोह होता है। ठीक है, इसी समारोह में तो कौन गए थे, ये कहाँ होता है, तो अविनियो में होता है। आपसे पूछा जाएगा फ्रांस और यूरोप का लोकप्रिय रंग समारोह कहाँ होता है, तो दक्षिण फ्रांस के अविनियो में होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद से रोन नदी के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए ये नदी बह रही है, इधर अविनियो बसा है। कौन सा जगह है? अविनियो। लेकिन दूसरी तरफ भी अविनियो बसा है, ठीक है, लेकिन इसको नया अविनियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक अविनियो का नया गांव बसा है, इसी का एक टोला मोहल्ला समझो, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है आपका, इधर लिखते हैं विलनौ। कैसे? या विलनौ, याद कैसे बोलेगा? विलनौ। आपसे पूछा जाएगा अविनियो किस नदी के किनारे बसा है,
तो किस नदी के? रोन नदी के किनारे। रोन नदी के दूसरे तरफ कौन सा जगह बसा है? तो विल्नोव। इसे हम लोग अविनियो का नया गांव भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको समझ में आ गया। अब यहां देखिए, विल्नोव में एक है, यहाँ पे देखिए कार्थुसियन, कार्थुसियन संप्रदाय का मठ है। इधर बाबू किसका मठ था? ईसाई मठ था। किसका मठ था? ईसाई मठ। और इधर किसका था? कार्थुसियन, ठीक है, कार्थुसियन संप्रदाय का मठ था। ठीक है, और इस मठ में यहाँ पे देखिएगा ला शत्रुता बना था, एक जगह है ला शत्रुता, वही बना था। और एक और चीज बता दें, यहाँ जो भी लोग इस साइड रहते थे ना, वो मौन पर विश्वास करते थे, शांति पर विश्वास करते थे, ज्यादा हल्ला गुल्ला, बस मौन धारण करके रहो, शांति रखो। आपसे पूछा जाएगा किस संप्रदाय के लोग मौन पर विश्वास करते हैं, तो आप याद रखिएगा कार्थुसियन संप्रदाय के लोग मौन पर विश्वास करते हैं। अब देखिए ये सब प्रथा कहाँ चल रहा था? टोटल ये अविनियो में चल रहा था, फ्रांस के इलाका में चल रहा था। और यहीं पे निमंत्रण भेजा गया किसको? वाजपेयी जी को, आइए और यहाँ का समारोह देखिए। और उस समारोह में एकदम जिस तरह रामायण और महाभारत लड़ाई हुआ था, यहाँ पर भी किसी ना किसी ग्रुप का लड़ाई है महाभारत की तरह। तो किस ग्रुप का लड़ाई है? तो यहाँ देखिए पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी कि पीटर ब्रुक का जो एक है, ठीक है, वहाँ विवाद किस तरह हुआ है, विवाद माने लड़ाई झगड़ा किस तरह हुआ है, महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको हम वहाँ निमंत्रित कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा किस ब्रुक का? विवादास्पद, ठीक है, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। ठीक है, तो इनको निमंत्रण भेजा गया था और ये अविनियो से कुछ दूरी पर था। ठीक है, अविनियो से कुछ दूरी पर यह जगह था जहाँ इन लोगों को जाना था देखने के लिए। अब देखिए ये तो आ गए कहाँ पे? फ्रांस में। और फ्रांस में आए तो एक महीना के लिए आए थे, लेकिन करीबन ये 19 दिन वहाँ रहे, यानी कि 19 दिन अपना समय गुजारे थे। और वो भी अपना समय कहाँ गुजारे थे? अविनियो में भी गुजारे थे, और एक जो जगह है ना ये सतरुज, ठीक है, ला शत्रुज, यहाँ ये जगह गुजारे थे। फ्रांस की सरकार इनको अनुमति दी कि आप थोड़ा सा अपना काम कर लिए, जो भी लिखना है, आप तो लेखक हैं, यहाँ का जो भी सीन है देख करके और लिख लीजिए। तो यहाँ पे उनको स्थान दिया गया और वहाँ बैठ करके वो लिखे भी, बहुत सारी चीज़ें लिखी। अभी तो देखिए ना कवि है ना, क्या क्या लिखते हैं। 19 दिनों के लिए आए यहाँ पे देखिए, और 35 कविताएं लिखे उतना ही दिन में। 19 दिन में 35 कविता लिख दिए, सोचिए, और 27 यहाँ क्या लिख दिए? गद लिख दिए। और अपने साथ ले गए थे टाइपराइटर और 3 से 4 पुस्तक, और संगीत का टिप्स ले गए थे, संगीत सुनने के लिए टिप वगैरह होता है ना, वो लेकर के गए थे। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, अब एक दिन हुआ क्या, सब ये बता दिए। अब सोचे कि अब बहुत लिख लिया, अब चलते हैं थोड़ा शांति जगह। तो आप खुद सोच के देखिए शांति जगह कहाँ होता है। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जब जाइएगा ना, मतलब एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलता है, लगता है कि वाह यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। ठीक है, वहाँ की पानी का जो झनकार सुनाई देता है, ठीक है, पानी की लहरों की जो आवाज़ सुनाई देता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। वहाँ का हवा मतलब बहुत ही सुहावना लगता है। और उसके बाद उसको अगर गौर से देखा जाए उस नदी को, तो उसी में आपको पूरी दुनिया दिखेगी। मतलब एक तरह से पूर्ण रूप से शांति का जगह ये कहाँ मिलता है? नदी के किनारे। और वहाँ पर कौन सी नदी थी? रोन नदी। तो देखिए कवि जा करके रोन नदी के किनारे बैठ जाते हैं, उनका नजारा देखिए। ऐसा लगता है आप कभी जाइएगा किसी नदी के किनारे, आप बैठिएगा तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि हम बैठे नहीं है, लग रहा है कि हम जहां बैठे हैं ना उहे बह रहा है। फिर कभी आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे होंगे तो वहां दिखेगा क्या, बाजू वाली ट्रेन खुलेगी तो ऐसा लगा कि अपना ट्रेन खुल गई और चलने लगी। अब तो कई सारे कॉमेडी भी देखे होंगे कि वो बिरजू वाला, सुने है ना बिरजू, अपना ट्रेन चल रहा है कि बाजू वाले का, ऐसा होता है ना, तो वो भी ऐसा मिलता है, बहुत सारा कॉमेडी है। तो इस हिसाब से जल स्थिर रहता है और लगता है कि तटे बह रहा है, जहाँ बैठे हैं वही बह रहा है। ठीक है, ऐसा अनुभव होता है। क्यों? अब बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नदी के पास वो ताकत होती है जो अपने आप में मिला लेने की क्षमता रखता है। ये नहीं कि जो बार बार नदी के पास जा रहे हैं वो नदी उसको पहचानती है, नहीं, नदी सबसे प्यार करती है। आप नदी के पास कोई भी इंसान जाएगा तो उसी में खो जाएगा, लगेगा कि उसी में खो गया। और इसी वजह से लगता है हमें कि क्या हो रहा है, नदी ने इस पूरा तट ही बह रहा है जहाँ बैठे हैं, उसमें हम खो जाते हैं, हमारे ध्यान को खींच लेती है। ठीक है, नदी के पास होना यानी नदी के हो जाना, ऐसा लगता है कि हम नदी के ही हो गए, यहीं पे रहे। ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं जैसे बीच वगैरह देखे ना, वहां पे जाकर के लोग क्यों जाते हैं, फोटो लेते हैं, ठीक है, अच्छा दृश्य दिखता है। ठीक है, नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, ये नहीं कि पड़ोस का है, पटेदार है, तो उसको हम
वहाँ पे सुहाना मौसम उसके लिए नहीं बनेगा, इसके लिए सुहाना मौसम बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी को अनदेखा नहीं, जो वहाँ जाएगा वो नदी के धाराओं में ही खो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नदी के पास थोड़ी देर में उनकी क्या होती है, विरादरी में शामिल। अगर थोड़ा देर वहाँ रुक जाते हैं तो जिस तरह सभी जीव जंतु वहाँ खेल रहे होते हैं, आप भी अपने बचपना को याद कर लेंगे और वहाँ खेलना शुरू कर देंगे, इतना अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये लेखक कह रहे हैं वाजपेयी जी कि आप एक कविता पढ़े होंगे विनोद कुमार शुक्ल का, नदी चेहरे लोगो। ठीक है, उसमें भी इनके बारे में बहुत अच्छा बताया गया है कि जिस तरह नदी के पास जाने से हम उसी के चेहरे बन करके रह जाते हैं। ठीक है, वैसे विनोद कुमार शुक्ल का एक और आगे वाला कहानी पढ़ना है आपको, मछली बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी। ठीक है, अब देखिए जैसे नदी क्या, यहाँ पर देखिए नदी कभी रिक्त नहीं होती है, वैसे ही क्या होता है, कविता कभी रिक्त नहीं होती। एक और बात बता दे, आपसे पूछ दिया जाएगा यहाँ पे, नदी कभी रिक्त नहीं होती वैसे ही कविता कभी रिक्त नहीं होती, ये किस पाठ से संकलित है, किस पाठ से लिया गया है, तो अविनियो से लिया गया है। आप देखिएगा जिस तरह नदी कभी खाली नहीं होती है ना, उस तरह कविता कभी खाली नहीं जाता है। कविता में कुछ ना कुछ जिंदगी का एक रहस्य निकलता है, हर कविता में कुछ ना कुछ राज छिपा रहता है, वो कभी खाली नहीं जाती। ठीक है, अब देखिएगा नदी के बारे में तो बहुत सारा शायरी लिखा गया है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बहुत ही मस्त हमको शायरी लगता है कि लकीरों का क्या है, मैं अपने रोज किस्मत से चुरा लेता हूँ, अगर तकलीफों से हारना मेरे मुकद्दर में लिखा होता तो कब का हार गया होता, जितनी समुंदर की गहराई है उतनी मेरे दिल की भी गहराई है, और मैं रोज अपने तकलीफों को डुबाता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं शायरी वगैरह लिखा गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका से समझ में आया होगा। यहाँ देखिएगा लेखक द्वारा कब गए हैं और कब आए हैं ये भी लिखा गया है, 24 अक्टूबर को गए थे 1994 में, 10 नवंबर को दोपहर के समय आए हैं, याद रखिए 10 नवंबर 1994 को दोपहर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर ज़बरदस्त लगा हो तो अपने आस पड़ोस जितना भी है जहाँ झगड़ा वगैरह करते हैं वहाँ भी हर जगह बाबू शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एग्जाम करीब है तो जान लगा दीजिए, तकलीफों से हारना नहीं है, तकलीफों से फाइट करना है। अगर आप फाइट करेंगे, अपने टेस्ट में पास करेंगे, तभी आप बेस्ट कहलाएंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।